अनुसार देश के 52% मुसलमान राहुल गांधी को अगले पीएम के रूप में देखना चाहते हैं, तो वही 3% मुस्लिम चाहते हैं कि साल 2024 के चुनाव में पीएम मोदी फिर से पीएम बने। इसके अलावा सर्वे में 6% लोगों ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पसंद किया है, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को 8% लोगों ने और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 14% लोग पसंद कर रहे हैं। इसी सवाल पर अखिलेश यादव को 8% और ओबीसी को 5% वोट मिलने की संभावना जताई गई है। यही सवाल जब देश के दलितों से पूछा गया तो 58% लोगों ने पीएम मोदी को पहली पसंद बताया है और 10% लोगों की पसंद मायावती रही है। राहुल गांधी को 20%, मल्लिकार्जुन खड़गे को 2% लोग सर्वे में पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा ओबीसी के 64% लोगों ने कहा कि पीएम मोदी को अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए, वहीं 15% ने राहुल गांधी को, 5% को अखिलेश यादव ने, 3% को नीतीश कुमार ने और इतने ही लोगों ने अरविंद केजरीवाल को अपनी पसंद बताया है। राहुल ने भी ओबीसी प्लस ईबीसी प्लस एससी प्लस एसटी जोड़कर 84% का नंबर दिखा दिया। राहुल लिखते हैं, जितनी आबादी उतना हक। कुछ दिन पहले राहुल ने लोहिया और काशीराम का नारा रिपीट किया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ओबीसी पर राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को 85-15 के नए फॉर्मूले को समझे तो बीजेपी की ओर झुके स्वर्ण वोटर से अब इंडिया अलायंस को कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। बात अगर 2019 के चुनाव की जाए तो बिहार में 51% स्वर्ण वोट बीजेपी को मिले थे, 23% स्वर्ण वोट नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को मिले थे और 7% स्वर्ण वोट लालू की पार्टी आरजेडी के खाते में गए थे। 2019 में जेडीयू का बीजेपी के साथ अलायंस था, यानी जहां जेडीयू को मिले स्वर्ण वोट भी असल में बीजेपी के ही वोट थे। 51% और 23% को जोड़ने से 74% होता है। बिहार में 10.56% हिंदू स्वर्ण वोटर्स के बीच ये नरेंद्र मोदी की पार्टी का पेनिट्रेशन है। चुनावी एजेंसियों ने ये सर्वे जातीय गणना के बाद करवाया है। सीएनएक्स ने ये सर्वे 12 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर किया है। इसमें अधिकतर सीटें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और बिहार की हैं। लालू और नीतीश की पार्टी ओबीसी और ईबीसी वोटर्स के बीच अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है, वहीं राहुल गांधी इसे ही नेशनल लेवल पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। लेकिन 2019 के चुनावी आंकड़े और फिलहाल किया गया सर्वे तो कुछ अलग ही इशारे कर रहा है। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि बिहार में जनता सीएम पद पर किसे पसंद करती है और देश की जनता किसे पीएम की कुर्सी पर देखना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमबी नेटवर्क।